ॐ यो जागारतम ऋचः कामयन्ति यो जागारतमुसामानियन्ति यो जागारतमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्यूकः ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस योग के लाइव सत्र को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। और इस योग के लाइव सत्र में हम जानेंगे आज बच्चों के लिए करने योग्य कौन से आसन है जो कि वो अपने माता पिता के देखरेख में अपने घर पर कर सकें। ऐसे कौन से योगासन हो सकते हैं जो 3 वर्ष के ऊपर के बच्चों को या 8 वर्ष के ऊपर, 3 वर्ष के ऊपर के बच्चों को प्राणायाम और 8 वर्ष के बच्चों को उनके आयु के या 8 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों को आसनों का अभ्यास कराना चाहिए जिससे कि उनकी हाइट अच्छी हो जाए, उनकी मेमोरी शार्प हो जाए और उसके अलावा उनका शरीर लचीला और मजबूत दोनों प्रकार से अच्छा हो जाए, लचीला भी हो जाए, फ्लेक्सीबल भी हो जाए और स्ट्रांग भी हो जाए। तो आज के इस सत्र में हम यही जान रहे हैं। तो सबसे पहला अभ्यास जो हमें करना चाहिए, वैसे तो शीर्षासन का भी है लेकिन प्रारंभ में आप 5 ही आसन बच्चों को करवाएं। 5 आसन यदि बच्चों को कराएंगे तो जिन बच्चों की हाइट रुकी हुई है उनकी हाइट बढ़ने लगेगी, जिनका ग्रोथ हार्मोन ठीक ढंग से पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह के इम्बेलेंस से या डिसऑर्डर से नहीं रिलीज हो पा रहा पूरी तरह से। वे बहुत सारे दर्शकों के मेरे पास आए प्रश्न कि वे अपने बच्चों को आसन तो कराना चाह रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ठीक ढंग से अब उनको विधि पता नहीं है तो कैसे करवाया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला तो आसन है जिसको पश्चिम उत्तान आसन कहते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग वाला आसन है ये। तो उसमें पैरों को तो दंडासन में ऐसे रखा जाता है। आज हम थोड़ा सा आहार पर भी बात करने वाले हैं तो आहार पर बात करेंगे। और श्वास पूरा सामान्य रखते हुए कमर को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। यही आसन केवल बच्चे नहीं बड़े भी कर सकते हैं। ये सारे आसन ऐसे हैं कि अधिक रोग शरीर में नहीं गए हों, जैसे मान लीजिए हार्ट की कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही हो जो अभी अभी आपको ऑपरेशन करवाया हो आपने, तो वे लोग सर्वांगासन चक्रासन आदि ना करें। बाकी सारे आसन सभी लोग कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले शीर्षासन और सर्वांगासन आदि लंबा अभ्यास ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, बाकी तो आप सबके लिए है, ऐसा नहीं कि केवल बच्चों के लिए। बच्चों को इन आसनों को करवाना चाहिए ये बात जरूर है। तो इसीलिए आज के सत्र में सबसे पहला आसन हम कर रहे हैं पश्चिम उत्तान आसन। हाथों को ऐसे साइड में रख लेंगे और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरें पूरा गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे। शुरू में क्या आपसे इतना ही आ पाएगा, टच हो जाए वही बड़ी बात है, फिर इतना आएगा, फिर पूरा श्वास बाहर फेंक देंगे, फिर धीरे धीरे और आएगा, फिर और आते आते ऐसे लग जाएगा। थोड़ी देर रोका करें, जल्दी से वापस नहीं आना, और ऐसे करके वापस आ जाए। फिर से कर लेते हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, बार बार श्वास बाहर फेंक करके आप ऐसे आगे की तरफ हो, बार बार आगे हो जाए, बार बार अब पैरों से आगे ले जाए अपने हाथों को बिना घुटना मोड़े। जंघाओं में खिंचाव आएगा, घुटनों में खिंचाव आएगा, आने देंगे, आने दे, आने दे। ऐसे अंगूठों को पकड़ लिया, श्वास इस स्थिति में पूरा बाहर होना चाहिए। पश्चिम उत्तान आसन यानी पश्चिम यानी पीछे, उत्तान यानी उठा के तान देना, उत और तान दो शब्द हैं, और आसन यानी पोजीशन। तो पश्चिम उत्तान आसन को वेरिकोज वेंस की समस्या के लिए भी बड़े लोगों को करना चाहिए, लेकिन जिनको कमर में दर्द है उनको आगे झुकने वाला कोई अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये पश्चिम उत्तान आसन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा आसन है। आपकी जंघाओं के कमजोरी यदि कहीं है, कहीं ये सो जाती हैं, कहीं बहुत ज़्यादा थाइस ऐसी हो गई हैं कि इनका फैट कम नहीं हो पा रहा, और
घुटनों का अच्छा व्यायाम करना है, पिंडलियों का अच्छा करना है, तो ये सारा का सारा हमारा इस पश्चिम उत्तान आसन में भरपाई हो जाती है। तो आपको श्वास भरते हुए पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद धीरे धीरे कोहनियां भी ऐसे जमीन से लगा दी, घुटने ना मोड़े। थोड़ी देर बना के रखें इस स्थिति को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, अभी प्रारंभ में तो 10-15-20 सेकंड की लगे, 10 सेकंड भी लग जाए श्वास छोड़ते हुए नीचे, शुरू में तो ऐसे 5 सेकंड भी आप पर लग जाए ना, ये भी शुरुआत में तो आपके लिए उपलब्धि होगी। फिर ये धीरे धीरे आधे आधे एक एक मिनट तक आपको लाना पड़ेगा। आधे से 2 मिनट तक का आसन का अभ्यास किया जाए, ये आसन का समय होता है। ये पहला हो गया पश्चिम उत्तान आसन। दूसरे आसन की तरफ चल रहे हैं, जो याददाश्त भी बढ़ाता है, जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके बाल झड़ने से रोकता भी है और तनाव से भी दूर करता है, थायराइड को भी ठीक करता है और हाइट को भी बढ़ाता है। जितने भी हमारे वक्षस्थल से ऊपर के अंगों के रोग हैं वे भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं सर्वांग आसन को करने से। तो सर्वांग आसन को हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ आप काफी सारे दर्शकों में लाइव, खूब सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए इस सत्र को हम चलाते हुए, सबसे पहला पहला पश्चिम उत्तान आसन, दूसरा सर्वांग आसन की तरफ चल रहे हैं। तो सर्वांग आसन के लिए दोनों पैरों को पहले अर्धहलासन की तरह ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, फिर दोनों हाथों को ऐसे लगा देते हैं, धीरे धीरे ऐसे सपोर्ट करते 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 और सपोर्ट करते हुए यूं ले जाए और यूं ले जा करके धीरे धीरे फिर इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। ये प्रारंभिक रूप से तो पहले ऐसे ही होगा, ये सीधा हो गया, ये हो गया आपका सर्वांग आसन। सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है सर्वांग आसन। ये विपरीत करणी मुद्रा, इसको कहते हैं विपरीत करने। ये हर्निया को भी ठीक करने वाले आसन है, हर्निया में भी विशेष लाभकारी है। अब चलते हैं हलासन की तरफ। तो श्वास पूरा बाहर फेंक देंगे। अभी सर्वांग आसन में श्वास था सामान्य, इसमें वापस आते हैं तो कैसे आते हैं पहले देख लेते हैं। धीरे धीरे ऐसे और थोड़ा नीचे, फिर और नीचे। इसमें कंधे और गर्दन को बिल्कुल हिलाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता, ये ध्यान रखना है। इसको बिल्कुल नहीं उठाना, न कंधों को न गर्दन को। इस सर्वांग आसन को शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। मैं आपको अब हलासन का अभ्यास करके दिखा रहा हूँ। तो हलासन के अभ्यास में कैसे अपने स्थिति को मेंटेन करना है आपको, पहला पहला सर्वांग आसन में आ जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर उठा लिया, पूरा श्वास बाहर, पूरा बाहर, पेट को अंदर खींच लेंगे। हाथों को ऐसे खींच लेंगे, ये अंगूठों का लॉक लगा दिया। हलासन, घुटने नहीं मोड़ना, घुटने नहीं मोड़ना, अंगूठों का लॉक जमीन पर लगा दिया। थायराइड के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन और मजबूती के लिए, रीढ़ में आए लचीलापन,
कर लो प्रतिदिन हल आसन। हल आसन का अभ्यास रोज करना चाहिए, और वापस आते समय धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर आपका बॉडी पर कंट्रोल है तो आप बिना हाथों के सहारे के आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, और यदि बॉडी पर कंट्रोल नहीं है तो आपको हाथों का सहारा लेकर के धीरे धीरे आना चाहिए। ये हल आसन का अभ्यास है। तो हल आसन के अभ्यास को प्रतिदिन सबको करना चाहिए, जिनका तनावपूर्ण काम है ना, जिनका ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, मेंटल वर्क ज़्यादा रहता है, उन लोगों को भी हल आसन का अभ्यास रोज करना चाहिए। सिर में पूरी तरह से ब्लड का फ्लो होना चाहिए, श्वास बाहर। ये तो हो गया हमारा सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड, और श्वास पूरा बाहर, पेट पिचका देंगे, खाली कर देंगे, और हल आसन। जब स्थिति बन जाए तो श्वासों को हम सामान्य कर सकते हैं, और जो लोग खाली ही रखें वो बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और पास में ले ऐसे घुटने सीधे, हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके और खींच रखा, धीरे धीरे वापस आए तो ऐसे हाथों का सपोर्ट लेकर के भी आ सकते। पांच आसन, छह आसन वैसे बच्चों के लिए, ताड़ासन, पश्चिम उत्तान आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, चक्रासन और शीर्षासन। आज हम इन चार आसनों को तो जान ही लेते हैं, ताड़ासन को आज छोड़ देते हैं, रोज अपन ताड़ासन से शुरू करते ही हैं, तो आज ताड़ासन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आज हम अभ्यास ही चार आसनों का कर रहे हैं, और थोड़ी देर, जितना भी देर आपने इस आसन को किया है ना, उतनी देर फिर आपको आराम करना चाहिए, या तो शवासन में या उतनी देर खड़े हो जाना चाहिए। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं चक्रासन का। तो चक्रासन का अभ्यास करने के लिए आपको ऐसे पैर रखने है ना, ऐसे पैर रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी एड़ियां अंदर की तरफ ऐसे लग जाएंगी, और दोनों हाथों को इस प्रकार से घुमाना है आपको, ऐसे कंधों के ठीक पास में रखना है। थोड़ा सा मैट पर ही करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जमीन पर भी हो जाता है, चिकने जमीन पर नहीं होता, टाइल आदि पर हाथ फिसल जाता है। श्वास पूरा भर के और पूरी तरह से ऐसे घुमा ले चक्रासन। और आप चाहें तो ऐसे एड़ियां जमीन पर रख के साधारण सा चक्रासन भी कर सकते हैं, ये एडवांस है। धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, कंधों को, पीठ को, बाकी के शरीर के भागों को जमीन से लगा रहे हैं, सीधे होकर जितनी देर चक्रासन किया उतनी देर रुक विश्राम करें, लंबे लंबे श्वास से भर के। ये चक्रासन का अभ्यास, इस तरह से इन आसनों को हम रोज करें, इन आसनों से हमारा शारीरिक आरोग्य आएगा। हमारे आज का जो शीर्षक है वो यही संदेश देता है कि हम रोज आसनों का अभ्यास, कुछ आसनों का, कुछ प्राणायाम का, और इसमें रोचकता कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को तो यूँ लगता होगा बोरियत है जी, रोज रोज आसन, रोज वही प्राणायाम कराते हैं, तो भाई रोज उसी पानी से नहाते भी तो हो, रोज उसी गद्दे पर सोते भी तो हो, उसमें बोर नहीं होते हो, रोज सेम ऑफिस में जाते भी तो हो, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज सेम प्रैक्टिसेस करनी भी पड़ेगी। योग में तो बहुत है, रोज आप हर डेली आप 8 प्रैक्टिसेस सेम करो, 2 नहीं कर लो, किसी ने मना थोड़ी किया है, लेकिन 8 डेली सेम नहीं करोगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगी। वो रिजल्ट आना चाहिए अच्छा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो फिर योग करने का कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए रोज योग की क्रियाओं को बोरिंग मत समझो। आपको अकेले करना है तो आप कोई एक अच्छा मन मर्जी का कोई बढ़िया सा शांत स्वभाव वाला संगीत लगा लो,
श्वास छोड़कर धीरे धीरे इसमें गर्दन को ढीले छोड़ा जाता है। गर्दन आप कस के रखेंगे तो चक्रासन कभी ना हो सकेगा, तभी ये लटक पाएगी, तभी ये ठीक ढंग से बन पाएगी। फिर जितनी देर आपने आसन किया है उतनी देर आपको विश्राम करना है। तो हमने पश्चिम उत्तानासन, सर्वांग आसन, हलासन और चक्रासन का आज ठीक ढंग से विधि पूर्वक आसनों का पोस्चर भी देख लिया। इसके लाभ क्या क्या होते हैं वो सारे मैंने बता दिए। स्पाइन हमारे पूरे शरीर का आधार होती है, हमें जवान और बूढ़ा दोनों प्रकार से रखती है। अगर स्पाइन अच्छी है तो जवान, स्पाइन खराब है तो बूढ़ा। मजबूत रखेगी यदि स्पाइन अच्छी मजबूत है तो, आपको कस के रखेगी, आपकी एनर्जी को डिस्चार्ज नहीं होने देगी। लंबी लंबी श्वास भर के आसनों के बाद ऐसे शवासन में थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। बच्चों का ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होने लगता है ना आसनों से, पीनियल ग्लैंड से निकलता है HGH, है ना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो इस ग्रोथ हार्मोन के निकलने से बच्चों की रुकी हुई हाइट ठीक हो जाती है। तो बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की हाइट को लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं, तो आप चिंता मत करें बिल्कुल भी किसी प्रकार की। योग से आपके बच्चों की हाइट बिल्कुल किसी भी कारण से यदि रुकी हुई हो तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। ऋतु जी, राकेश जी नमस्ते, आप नियमित दर्शकों में हमारे स्वामी न्यूज़ के शामिल हैं, नियमित रूप से आप हमारे कार्यक्रम को देख करके योगाभ्यास करते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं 100वां एपिसोड करेंगे जब आज 97वां कार्यक्रम है, 97वां, 97th। तो हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं 100वें कार्यक्रम में। आज है 10 तारीख, 11, 12, 13, 98, 99, 100। तो 13 तारीख को यदि आप इस योग सत्र में यहाँ लाइव उपस्थित हो जाएं, जितने भी हमारे नियमित दर्शक हैं, तो वे उनकी प्रतिनिधि के तौर से या आप वैसे भी इस 97वें कार्यक्रम में आप यदि आए, हम जितने भी अतिथि योग शिक्षक आए थे उन सबको भी बुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस 100वें कार्यक्रम कुछ विशेष हो जाए, सेलिब्रेशन की तरह से हो जाएगा। इसी उद्यान में आपका हार्दिक स्वागत है ऋतु जी, तो 100वें कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। तो इतना करने के बाद आपका शवासन में आराम भी हो जाएगा और फिर आप अपने आसन में आकर बैठ जाएं। आसन में आप आकर बैठ गए, फिर आपको बच्चों को क्या करवाना है, प्राणायाम करवाना है, और प्राणायाम करवाएं, आसन करवाएं, लेकिन योग को करवाएं रोज। उनकी इच्छा की कोई चीज़ करवानी, जी मेरे को तो अनुलोम विलोम ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे को तो सर्वांगासन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करवा दो, है ना, बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में करवा दो। कंटिन्यू लगाना चाहते कंटिन्यू लगाओ, फिर थोड़ी देर फिर आराम भी कराएं। तुरंत सर्वांग आसन के बाद कुछ और काम नहीं करना, ये अपने को थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो ये आज की कार्यक्रम में हमने जाना। अब रही डाइट की बात, तो डाइट की बात में मैं समझता हूँ वैद्य जी हमारे कल आएंगे, तो ये विषय वैद्य जी के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि है ना वो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, वो जितना अच्छे प्रकार से हम सबको गाइड कर सकते हैं वो विस्तार से भी विषय को रख देंगे। मेरे पास तो आज समय भी सीमित है तो विस्तार से तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा गाइडेंस इतना दे देते हैं कि वर्षा ऋतु में बाहर के खाने से एक तो परहेज करें, दूसरा जल से संबंधित इन्फेक्शन के बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो कईयों को ऐसे लीवर की तरफ दर्द होने लगता है, ऐसे पसलियों की तरफ नीचे, और वो चिंता में आ जाता है कि मुझे पथरी है कि अपेंडिसाइटिस का दर्द है कि किस प्रकार का दर्द है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो आप पानी की शुद्धि रखें, पहला वर्षा ऋतु में अभी दही और छाछ खाने की पीने की उम्र नहीं, ऋतु नहीं है, तो इसीलिए आपको वो नहीं लेनी। अभी आप जो मौसम का फल जैसे नाशपाती आदि नाक इन्हीं को ले में, जबरदस्ती प्रिजर्वेटिव की भी कोई चीज ना लें। पैकेज्ड फूड तो वर्षा ऋतु में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ना ही प्रोसेस्ड फूड लेना चाहिए। जितने भी ये प्रोसेस्ड और पैकेज्ड आते हैं वे सारे के सारे उनमें डला हुआ रहता है प्रिजर्वेटिव, और वो सोडियम एसिडिक एसिड होता है
या सोडियम बेंजोइट होता है, ये दो तो विशेष करके सभी में डालते हैं। तो आप कोशिश करें ताज़ा चीज़ों का प्रयोग करने का आहार विहार में, विशेष कर तो इसी बात को ध्यान रखें, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड ना लेवें ताकि आपकी भूख ख़त्म नहीं हो। नहीं तो आपकी भूख अगर मर जाएगी ना, तो प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड की वजह से आपका पाचन तंत्र बड़ा ख़राब हो जाए, और यदि ये हो गया तो आप सुधार कैसे करोगे? सुधार करने करने में ही आपके जीवन के इतने सारे महीने, इतने सारे साल चले गए अभी तक, फिर आगे और चले जाएंगे। क्या अपन इसीलिए है क्या कि बस रोज शरीर को बीमार से ठीक करते रहे, रोज ठीक करते रहे, इसीलिए थोड़ी बैठे हैं अपन? हाँ, अपन स्वस्थ जीवन चाहिए भी तो सही, तो उसके लिए थोड़ा सावधानी से जीवन जिए भी। सावधानी से जीवन जिएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए आज के सत्र में थोड़ा सा संकेत के रूप में मैंने आपको सबको बताया कि किस प्रकार के आहार को, आहार में किस प्रकार का नियम आप रखें। बार बार ना खाएं, मैदे की चीज़ों से बचें, बाहर की यदि पानी भी आ रहा है मान लीजिए तो पानी को भी आप थोड़ा छान करके और गर्म करके इसका सेवन करें। यदि आप पानी में भी इस बात का ध्यान रखेंगे तो पानी से होने वाले रोग नहीं होंगे आपको। पानी को लोग देख करके नहीं पीते हैं, पानी आप देख करके पिए ऐसे, तो पानी को देख करके ही पीना चाहिए। व्यक्ति जब भी पानी को देख कर नहीं पीता तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कीटाणु रोगाणु भीतर चले जाते हैं। जो दिख नहीं रहे उनकी तो बात नहीं कर रहा, जो दिखते हैं उनको भी कई बार पानी के साथ सहसा ही अनायास ही वो व्यक्ति भीतर ले लेता है, और वे अंदर जा कर के बहुत सारे उपद्रव मचाते हैं, और फिर उनका व्यक्ति भी, बहुत सारे लोगों को अभी भी समस्या है बारिश के मौसम में कि पेट फूल जाता है थोड़ा सा भोजन करने के बाद, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है थोड़ा सा भोजन करने के बाद। तो कोलाइटिस की प्रॉब्लम है भाई, उसके लिए आयुर्वेद के किसी अच्छे वैद्य को दिखाएं। कल हमारे इस कार्यक्रम में वैद्य जी आएंगे, आप है ना उनसे उपचार लेवें। ऐसे डायरेक्ट योगासन ना करें, है ना, हल्के फुल्के प्राणायाम आदि करें, लेकिन पेट की बड़ी समस्या है, बहुत सालों से है, कोलाइटिस जैसी समस्या भी है, तो पहले भाई उसका उपचार करना पड़ेगा। बिल्व आदि, चूर्ण आदि जो भी वैद्य जी देते हैं उनसे पहले आयुर्वेद का सहारा भी लेवें। ज़्यादा समस्या है तो पूरी तरह से योग से ठीक होने की बजाय योग का सहारा तो लेवें, आयुर्वेद का भी सहारा लेवें। तो दोनों चीज़ों को आपको एक साथ करके आपके कोलाइटिस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, और जिसको हम कहते हैं पेट के फूलने की और भूख ना लगने की, तो भूख तो लग जाएगी आपकी, ये आसन करेंगे तो अपने आप ही भूख लग जाएगी। नहीं लग रही है तो ऐसे उठा लो, ये बच्चों के लिए ये आसन भी बड़ा अच्छा है, बड़े भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है। कोहनी तक उठा लिया, श्वास पूरा भर के उठा लिया, भूख लगना शुरू हो जाएगी, जोरदार कड़ाके की भूख लगे, श्वास पूरा भर के ऐसे उठा लिया। उत्थित पद्मासन को करें, भूख लगने लगे, बैलेंस तो बढ़ेगा, भुजाओं में बल तो बढ़ेगा, लेकिन ये भूख भी लगाता है। जठराग्नि मेटाबॉलिक रेट को बहुत अच्छा कर देता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं, आहार के बारे में विस्तार से आगे के कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा भी हम बहुत जल्दी 2-4 दिनों में बताने वाले हैं, 100 कार्यक्रम पूरे हो जाए उसके बाद। तो इस तरह से आज के इस कार्यक्रम को हमने सफलता से 97वें कार्यक्रम को संपन्न किया आप सबके सहयोग से। तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए स्वामी न्यूज़ का भी मैं हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, और आज के कार्यक्रम को यहीं पर समापन कर रहे हैं। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। तो आपको योग के इस कार्यक्रम की औरों को भी योग से जोड़ना है। अब आप इतना योग सीख गए हैं सारे ही लोग, तो आपको योग से और कई सारे लोगों को जोड़ना चाहिए। अगर आप योग करेंगे कराएंगे तो आप लोगों को स्वस्थ कर पाएंगे और उससे आपको पुण्य भी मिलेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। ओम शम।